अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ आवर साइंस लेक्चर, लेक्चर नंबर 8, एंड द टॉपिक है अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट, कि ज़मीन का जो वेदर है और उसका जो क्लाइमेट है उससे रिलेटेड ये हम आज पढ़ेंगे। इसकी रीडिंग है, एक्सप्लेनेशन है और कॉपी वर्क है। लेट स्टार्ट आवर टॉपिक। इन आवर डेली लाइफ we observe that sometime it rains, sometime it is sunny, sometime the weather becomes cold and pleasant and sometimes it becomes hot। कि हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमने ये महसूस किया है, ऑब्ज़र्व किया है कि कभी जो है बारिश हो रही होती है, कभी वेदर जो है हमारा जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा सनी मतलब गर्म सूरज निकला हुआ होता है तेज़ वो होता है, कभी समटाइम द वेदर बिकम्स कोल्ड, कभी जो है मौसम ठंडा हो जाता है, हवादार और खुशगवार हो जाता है, एंड समटाइम इट बिकम्स हॉट और समटाइम बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। ओकेजनली दिस वेदर चेंज अकर्स सडनली एंड समटाइम्स इट टेक्स मैनी डेज, कि आमतौर पर जो वेदर है वो एकदम से चेंज हो जाता है और कभी बहुत ज़्यादा दिन लेके जो है वो मौसम चेंज होता है। सनलाइट, एयर प्रेशर, रेन एंड क्लाउड, सूरज की रोशनी, हवा का तेज़ प्रेशर जो होता है और बारिश और बादल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चेंज ऑफ वेदर, कि ये ख़ास रोल करते हैं, अदा करते हैं हमारे वेदर का चेंज होने में। वेदर एंड क्लाइमेट, द डेली कंडीशन ऑफ द एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ अ लोकेशन इज कॉल इट्स वेदर, कि जो कि रोज़मर्रा की जो कंडीशन होती है इन माहौल की, हमारे एटमॉस्फेयर की और हम जो हमारे लोकेशन के अकॉर्डिंग होता है उसको हम वेदर कहते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ वेदर मे बी वन और मोर डेज, के जो वेदर का जो ड्यूरेशन होता है वो एक दिन का होता है, एक से ज़्यादा दिन का भी होता है, कि बारिश एक दिन भी हो जाती है, दो दिन भी मुसलसल होती है, तीन दिन भी मुसलसल होती रहती है। वेदर इज़ डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, के वेदर जो है वो टेम्परेचर के टर्म्स पे डिफाइन होता है, ह्यूमिडिटी मतलब हवा के प्रेशर पे, प्रेसिपिटेशन बारिश के, रेन और स्नो मतलब बर्फबारी और बारिश के, क्लाउड्स एंड विंड्स ऑफ दैट पार्टिकुलर लोकेशन, के उस लोकेशन के ऊपर बारिश है, हवा है, के बादल हैं, बर्फबारी हो रही है, कि मतलब हवा का तनासब ज़्यादा है, कि गर्मी है, इस इन टर्म्स पे जो है वो वेदर को हम लोकेट करते हैं। एनुअल, उन्होंने हमें यहाँ पे बताया हुआ है, डू यू नो एनुअल रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन एंड द टिल्ट ऑफ द सन ऑन इट्स एक्सिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन वेदर, कि जो हमारा एनुअल रोटेशन होता है अर्थ का सन के इर्द जो वो ग्रिड चक्कर लगाती है उसके ज़रिए भी हम जो होते हैं वेदर जो है वो चेंज होने के चांसेस होते हैं। ठीक, अब जैसे उन्होंने पिक्चर में आपको दिखाया है यहाँ बारिश हो रही है, रेन है, इंटेंसिव सन मतलब सूरज, गर्मी है और यहाँ स्टॉर्म आंधी और तूफान आया हुआ है। इन योर रीजन हॉट और कोल्ड, इज़ योर रीजन हॉट और कोल्ड, कि आपका जो रीजन है, जो आपका जो है इलाका वो गर्म है कि ठंडा है। द जनरल कंडीशन ऑफ एन एरिया आर कॉल्ड क्लाइमेट, के मतलब जो हमारी जनरल आमतौर की जो जनरल कंडीशंस होती हैं हमारे एरिए की, हमारे हिस्से की, उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। इट इज़ द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया, इनफैक्ट क्लाइमेट डिस्क्राइब्स द जनरल एंड लॉन्ग लास्टिंग वेदर कंडीशन ऑफ एन एरिया, के जो क्लाइमेट है हमारा वो हमें बताता है कि हमारी जनरल कंडीशन क्या है वेदर की, या लॉन्ग लास्टिंग के ज़्यादा अरसे तक हमारा जो है वो वेदर चेंज हो नहीं होना उसके बारे में हमें जो है एक एरिया के बारे में जो है वो क्लाइमेट बताता है। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, के वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस है। मोड, शॉर्ट ड्यूरेशन कंडीशन ऑफ एन एनवायरनमेंट, के वेदर जो है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, जैसे कि येस्टरडे वेदर जो था वो ठंडा था और आज गर्म है, तो जो वेदर का जो ड्यूरेशन होता है वो शॉर्ट होता है। क्लाइमेट, एवरेज लॉन्ग ड्यूरेशन कंडीशन ऑफ वेदर, के क्लाइमेट में जो होता है कि वो मौसम का जो वेदर की कंडीशन होती है वो ड्यूरेशन जो होती है वो लॉन्ग होती है, लंबी होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस ईयर इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट मूनसून रेन्स विल बिगन अर्ली, कि अगर हमें ये पता चले कि जी इस ईयर जो है वो मूनसून की जो रेन्स हैं, जो बारिशें हैं वो जल्दी होंगी।
द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड मेटोरोलॉजी. के वेदर की जो हम कंडीशंस को पढ़ते हैं उसको हम मेटोरोलॉजी कहते हैं. द पीपल रिलेटेड टू दिस स्टडी, के जो लोग इसको पढ़ते हैं उसको हम मेटोरोलॉजिस्ट कहते हैं. ठीक. एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने हमें दी हुई है. द क्लाइमेट ऑफ अ रीजन अफेक्ट्स द लिविंग हैबिट्स, डाइट, ग्रोथ एंड कलर ऑफ द पीपल. जो क्लाइमेट होता है किसी रीजन का, वो लोगों की लिविंग, मतलब जो उनकी जो ज़िंदगी गुजारने के जो तरीके होते हैं, उनकी खुराक को, उनकी ग्रोथ को और उनके रंग को जो है वो लोगों के बहुत उससे फ़र्क पड़ता है. इन द रीजन ऑफ कोल्ड क्लाइमेट, या अगर हमारा जो क्लाइमेट है वो ठंडा है, पीपल वियर वार्म ड्रेसेस, हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, स्वीटर्स पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं. वाइल पीपल ऑफ द रीजन ऑफ द हॉट क्लाइमेट, और जो लोग गर्मी वाले इलाके में रहते हैं, वियर थिन एंड लाइट ड्रेसेस, वो आमतौर पर जो है वो हल्के कपड़े, मतलब पतले कपड़े जो हैं वो पहनते हैं. जैसे हम लोग आजकल गर्मी है, शदीद है, तो हम पतले कपड़े जो हैं वो पहनते हैं. एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी हुई है. वेदर कंडीशन आर डिस्क्राइब बाई यूजिंग द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स, के जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने बताए हुए हैं, इससे जो है हम वेदर की जो कंडीशन है कि वो इस वक्त उसकी क्या कंडीशन होगी, मौसम ठंडा होगा, गर्म होगा, कि हवाएं चलेंगी, वो इससे जो है वो मेजर करते हैं. बैरोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द एयर प्रेशर. बैरोमीटर यूज़ होता है कि उनका हवा का जो तनासब है वो कितना, एयर का प्रेशर कितना है, वो बैरोमीटर जो है वो मेजर करता है. एनीमोमीटर, इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड. के एनीमोमीटर जो है वो मेजर करता है कि हवा की कितनी स्पीड है और वो किस डायरेक्शन से आ रही है. रेन गॉज, इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द अमाउंट ऑफ रेन. कि ये मेजर करता है कि रेन की कितनी अमाउंट है और कितने मिलीमीटर या कितने तेज़ जो है वो बारिश होनी है. थर्मामीटर, इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ एयर. कि जो थर्मामीटर है वो बताता है कि एयर, हवा जो हमारी चलती है उसका, वो कितनी गर्म होगी या कितनी ठंडी होगी, वो उसको मेजर करता है. द मूवमेंट ऑफ विंड्स एंड क्लाउड्स इन द अपर एटमोसफेयर ऑफ अ रीजन help us predict the change in weather condition for the next few days. कि जो हवाएं हैं और जो बादल हैं जो ऊपर की तरफ एटमॉस्फेयर में चलती हैं, ठीक है, एक किसी रीजन में, वो हमें बताती हैं कि वेदर कंडीशंस किस तरह चेंज होंगी अगले कुछ दिनों में. ठीक है, अगले कुछ दिनों में वेदर की क्या कंडीशंस होंगी वो हमें बताती हैं, कि जो मूवमेंट हवा की और बादलों की ऊपर वाले एटमॉस्फेयर में जो होती हैं. मेट्रोलॉजिस्ट वेदर एक्सपर्ट्स हैं. मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं कि जो वेदर के एक्सपर्ट्स होते हैं, जिनको वेदर के बारे में जिन्होंने पढ़ा होता है, उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहते हैं. कीप अस इन्फॉर्म्ड अबाउट चेंजेस इन द वेदर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज. कि वो हमें बताते रहते हैं, इन्फॉर्म करते रहते हैं कि वेदर अगले कुछ दिनों में क्या होगा. दे प्रोवाइड अस इन्फॉर्मेशन अबाउट रेन. कि वो हमें बारिश के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, हवा के बारे में, तूफान आना हो उसके बारे में, पहले से ही जो है वो हमें इन एडवांस, वो हमें पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं. ये देखिए, विंड एंड ड्राई, वार्म एंड ड्राई, कि गर्म है मौसम और खुश्क है. विंडी मतलब हवादार है. रेन विद थंडर स्टॉर्म्स, के मतलब बारिश होगी और बहुत ज़्यादा बिजली जो है वो गरजेगी. हेलिंग मतलब आहिस्ता आहिस्ता, मतलब वो जो ड्रिजलिंग वाली बारिश होती है वो होगी. पार्शली क्लाउडलेट, के हल्के हल्के बादल होंगे. क्लाउडी, के बहुत ज़्यादा बादल होंगे. ड्रिजलिंग, बारिश हल्की हल्की होगी. और स्नोइंग, के बर्फबारी होगी. इस तरह के जो वेदर के जो कंडीशंस होती हैं वो हमें बताते रहते हैं मेट्रोलॉजिस्ट, जो वेदर एक्सपर्ट्स होते हैं. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन ज्योग्राफिकल लोकेशन एंड क्लाइमेट. के हमारा क्या रिलेशन है ज्योग्राफिकल लोकेशन के और क्लाइमेट के बारे में. ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ अ रीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर डिटरमाइनिंग इट्स क्लाइमेट. के जो ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है, ठीक है, वो हमें बताती है एक रीजन की जो होती है वो इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है हमें, कि हमें हमारा क्लाइमेट किस की क्या होगा. मैनी अदर फैक्टर्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ एनी ज्योग्राफिकल लोकेशन. के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफिकल लोकेशन में. These includes temperature, air pressure, speed and direction of wind. These in many factors affect the climate of any geographical location. की जो जोग्राफिया हदूद होती है उनमें जो उनका जो क्लाइमेट होता है, ठीक है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं उस
हमारे क्लाइमेट को. दिस इंक्लूड, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, टेम्परेचर, एयर प्रेशर, स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ विंड, ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो. वही बात उन्होंने दोबारा रिपीट की है कि उसमें हवा का तनासुब, गर्मी, स्पीड, उसकी हवा कितनी तेज़ी से चलेगी, डायरेक्शन ऑफ विंड, के विंड हवा किस डायरेक्शन से चलेगी, ह्यूमिडिटी, रेन एंड स्नो, के बारिश कितनी होगी, बर्फबारी कितनी होगी. हैव यू एवर थॉट वाई द वेदर चेंजेस विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग, समर एंड विंटर? क्या आपने कभी ये सोचा है कि जो वेदर है हमारा वो क्यों चेंज होता है जब स्प्रिंग आता है, समर आता है और विंटर आता है? द क्लाइमेट और वेदर चेंजेस ऑफ एनी रीजन डिपेंड अपॉन फॉलिंग ऑफ सन रेज आइदर वर्टिकली और स्लांटिंग. कि क्लाइमेट और वेदर जो है वो इसलिए चेंज होता है कि हमें पता चलता है कि जो सूरज की रोशनी है वो कैसे हमारे पे गिरती है, वर्टिकली या स्लांटिंग. ठीक. ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट वी कैन डिवाइड द अर्थ इंटू 3 zones. के क्लाइमेट के बेस के ऊपर हम अपनी ज़मीन को 3 हिस्सों में, 3 zones में डिवाइड करते हैं, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेचर जोन और पोलर जोन. यहाँ एक उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन बताई हुई है. इन द मैक्सिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान वॉज 53.5 degrees centigrade इन मोहनजोदड़ो. के मैक्सिमम टेम्परेचर पाकिस्तान को जो था वो 53.5 degrees था मोहनजोदड़ो में, सिंध में, ऑन 26 मई 2010 में, एंड इन तुर्बत बलोचिस्तान में ऑन 28 मई 2017 में. उसके बाद उन्होंने एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है. द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 equal parts. कि इक्वेटर जो है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो ज़मीन को 2 हिस्सों में, बराबर हिस्सों में तकसीम करती है. पीछे हमने पढ़ा था कि अर्थ डिवाइडेड द क्लाइमेट डिवाइडेड द अर्थ इनटू 3 zones, ट्रॉपिकल जोन, टेम्परेचर जोन एंड पोलर जोन. अब हम उनको अलग-अलग जो है डिस्क्राइब करेंगे. फर्स्ट हमारे पास है ट्रॉपिकल जोन. ट्रॉपिकल जोन कंसिस्ट ऑफ द रीजन लोकेटेड अराउंड द इक्वेटर. के ट्रॉपिकल जोन, अब आपको मैंने ये बताया था कि जो ज़मीन के, अब हम पढ़ेंगे टेम्परेचर जोन. टेम्परेचर जोन इज़ लोकेटेड बिटवीन ट्रॉपिकल एंड पोलर जोन. जो टेम्परेचर जोन है वो पोलर जोन, ठीक है, और ट्रॉपिकल जोन के बीच में आता है. ठीक है. हेयर द सन रेज फॉल डायगोनली. जो इधर जो है वो सूरज की जो रोशनी है वो वितरित तौर पर गिरती हैं, डायगोनली वितरित. द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज़ माइल्ड, हल्की होती है, ड्यू टू स्लांटिंग रेज. क्योंकि यहाँ पर जो सूरज की रोशनी होती है वो जोन जो है, क्लाइमेट जो है वो बिल्कुल हल्का सा होता है, गर्म, ड्यू टू स्लांटिंग रेज, सन रेज. क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है वो टेढ़ी जो है वो गिरती है इधर इस जोन में. नंबर 3 है हमारे पास पोलर जोन. इट कंसिस्ट ऑफ द एरियाज अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ. कि ये जो है इस पोलर जोन में जो है वो ज़मीन के जो नॉर्थ एंड साउथ पोल्स वाले हिस्से हैं वो शामिल होते हैं. हेयर द सन रेज आर मोर स्लांटेड. यहाँ पे जो सूरज की रोशनी है वो बहुत ज़्यादा टेढ़ी जो है वो गिरती हैं. देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ दिस जोन इज कोल्डेस्ट. इसी वजह से इस जोन का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है. एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर. कि अगर हम इक्वेटर से दूर होते जाएँ, द क्लाइमेट बिकम लेस हॉट. जो हमारा क्लाइमेट होगा वो बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कम गर्म होता जाएगा. इवेंचुअली द टेम्परेचर इज मिनिमम एट द पोल्स. कि जो टेम्परेचर है वो आम तौर पर जो है वो पोल्स का कम ही होता है. हैंस दीज आर द कोल्डेस्ट रीजन ऑफ द अर्थ. और ये इसी वजह से ये ज़मीन के बहुत ज़्यादा ठंडे हिस्से होते हैं. क्लाइमेट ऑफ रीजन्स नियर वाटर बॉडीज़. के क्लाइमेट का जो रीजन्स हमारे जो पानी के करीब होते हैं उनका क्लाइमेट कैसा होता है, जो इलाके हमारे पानी के करीब होते हैं उनका इलाका, उनका जो क्लाइमेट है वो कैसा होगा. वाटर बॉडीज़ मेक द क्लाइमेट ऑफ द एडजेसेंट लैंड एरियाज माइल्ड. के जो वाटर बॉडीज़ होती हैं, मतलब जो पानी वाले हिस्से, जिस्म होते हैं, जो हिस्से होते हैं, उनका जो क्लाइमेट होता है वो बहुत ज़्यादा हल्का होता है. ठीक है. द उन्होंने एक इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है. द मिनिमम टेम्परेचर इन पाकिस्तान वॉज 18 degrees centigrade इन क्वेटा ऑन 8 January 1970. के टेम्परेचर जो था पाकिस्तान का मिनिमम जो था वो 18 degrees centigrade था क्वेटा में 8 January को 1970 में. वेयर एज इट वॉज 51 degrees centigrade एट K2 peak. कि एक दफ़ा -18 degrees centigrade था क्वेटा में 8 January 1970 में.
और एक दफ़ा -51 डिग्री हुआ था सेंटीग्रेड K2 की पीक पे। अब है क्लाइमेट ऑफ हाई रीजन्स के, जो माउंटेंस लेवल के जो रीजन्स होते हैं उनका जो क्लाइमेट होता है वो कैसा होता है, इलाके होते हैं। विद द राइज ऑफ हाइट फ्रॉम द सी लेवल, के अगर हम पानी के मतलब समंदरों के लेवल से ऊपर चले जाएं, द क्लाइमेट बिकम्स कूलर, जो हमारा क्लाइमेट होगा वो ठंडा होता जाएगा। एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन इंक्रीजेस, और इस तरह जो सर्दियों की जो ड्यूरेशन होगी वो बढ़ती जाएगी और लंबी होती जाएगी। नेक्स्ट हमारा अब टॉपिक है ग्लोबल चेंज इन क्लाइमेट, के हमारे जो क्लाइमेट है हमारा उसमें जो ग्लोबल चेंज आया है वो क्यों आया है। द हीट, स्मोक एंड गैसेस रिलीज्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज नॉट ओनली पॉल्यूट आर एनवायरनमेंट बट आल्सो कॉज इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, के जो गर्मी है, जो धुआं है, जो गैसेस हैं जो हमारी फैक्ट्रीज से निकलते हैं, हमारे मतलब जो हम व्हीकल्स हम चलाते हैं जैसे मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ वगैरह, और बहुत सारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं वो ना तो वो बल्कि हमारे वो हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे माहौल को आलूदा कर रहे हैं, बल्कि वो हमारी जो एवरेज टेम्परेचर है हमारा जो ज़मीन का उसको भी बढ़ा रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग, इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्लाइमेट एंड लाइफ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है हमारे क्लाइमेट के लिए भी, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहा है हमारे क्लाइमेट को भी, और जो हमारी ज़मीन पर ज़िंदगी है और पानी में ज़िंदगी है उसको भी। ये हमारी रीडिंग थी आज की और इसकी एक्सप्लेनेशन थी। अब हम इसकी जो है वो की पॉइंट्स पढ़ते हैं कि हमने इस टॉपिक में क्या पढ़ा है, और उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। इसके की पॉइंट्स आर द टेम्परेरी चेंज इन द कंडीशन ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेदर, के जो मतलब आम जो चेंज होती है कंडीशन वेदर में, हमारे माहौल में आमतौर पर जो चेंजेस होती हैं उसको हम वेदर कहते हैं, और जो जनरल वेदर कंडीशंस होती हैं एक हमारे इलाके में उसको हम क्लाइमेट कहते हैं। वेदर कंडीशंस एंड क्लाइमेट अफेक्ट द नेचुरल इकोसिस्टम, के हमारी जो वेदर की कंडीशंस और क्लाइमेट के जो अफेक्ट्स हैं वो हमारे इकोसिस्टम को पे अफेक्ट होती हैं। मैनी फैक्टर्स अफेक्ट द वेदर एंड क्लाइमेट ऑफ अ ज्योग्राफिकल रीजन, के बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे वेदर को और क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं और हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहे हैं। ये हमारे की पॉइंट्स थे, अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन वन है टेक द करेक्ट आंसर्स। ठीक, फर्स्ट है हमारे पास इफ इट रेन सडनली व्हाट डज दिस इंडिकेट, कि अगर अचानक बारिश हो जाए तो ये क्या इंडिकेट करता है। नंबर ए वेदर कंडीशन, नंबर बी क्लाइमेट, नंबर सी वेदर एंड क्लाइमेट, नंबर डी लोकेशन। तो इधर आ जाएगा वेदर कंडीशन, नंबर ए पे हम टिक करेंगे। नंबर टू है विच जोन ऑफ द अर्थ रिसीव्स वर्टिकल सन रेज, कि कौन सी ऐसी अर्थ है जिसमें जो सूरज की रोशनी है वर्टिकली गिरती हैं। नंबर वन टेम्परेचर, नंबर टू ट्रॉपिकल, नंबर सी पोलर, नंबर डी ऑल ऑफ दीज। तो ट्रॉपिकल जोन जो है ऐसा है जहाँ वहाँ पे सूरज की जो रोशनी है वो वर्टिकली तौर पर जो है वो गिरती है। द क्लाइमेट ऑफ द रीजन ऑफ पोलर जोन इज, के जो पोलर जोन का जो क्लाइमेट है वो क्या है, एक्सट्रीमली कोल्ड, वार्म, ह्यूमिड या माइल्ड। तो नंबर ए आएगा एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा है पोलर जोन का जो क्लाइमेट है। नंबर फाइव है हमारे पास ड्यू टू द स्मोक एंड गैसेस इमिटेड फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स, के जो धुआं है और जो गैसेस हैं फैक्ट्रीज और व्हीकल्स में से निकलता है। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज, टेम्परेचर का जो एवरेज टेम्परेचर है ज़मीन का वो उसको क्या कर रही है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, नॉट अफेक्टेड या फ्लक्चुएटिंग। तो नंबर एक आएगा इंक्रीजिंग, बढ़ा रही है वो एवरेज टेम्परेचर जो है वो ज़मीन का। नंबर फाइव है इन हाउ मेनी जोन्स इज द अर्थ डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, की क्लाइमेट की बेस पे अर्थ कितने जोन्स में डिवाइड होता है, 2, 3, 4 या 5। तो 3 जोन्स में डिवाइड होता है अर्थ। अब हम इसके करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। पहला है डिफरेंशिएट बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर का है द टेम्परेरी चेंज इन द कंडीशंस ऑफ एन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड वेदर, के जो हमारे माहौल में मतलब थोड़ी देर के लिए जो चेंजेस होती हैं, जो आमतौर पर चेंजेस होती हैं
उनको हम वेदर कहा जाता है, और क्लाइमेट है द जनरल वेदर कंडीशंस ऑफ अ रीजन आर कॉल्ड इट्स क्लाइमेट। और जो ज़्यादा तौर पे जो चेंजेस हमारे वेदर में जो ज़्यादा देर तक रहनी होती हैं चेंजेस वेदर में हमारी, उसको हम कहते हैं क्लाइमेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन क्लाइमेट एंड द हाइट फ्रॉम सी लेवल, कि क्या रिलेशन है क्लाइमेट का कि जब उसमें हम सी लेवल से ऊपर ऊंचा चले जाते हैं, हाइट पे चले जाते हैं, तो उसके क्लाइमेट का क्या रिलेशन है। विद द राइज ऑफ हाइट, कि जब हम ऊंचाई पे चले जाते हैं फ्रॉम द सी लेवल, समंदर से ऊपर चले जाते हैं, द क्लाइमेट बिकम्स कूलर, जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है, एंड द ड्यूरेशन ऑफ विंटर सीजन इंक्रीजेस, इसलिए जो सर्दियों का जो ड्यूरेशन होता है वो लंबा होता चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज़ द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन वेरी कोल्ड, के जो पोलर जोन का क्लाइमेट है वो ज़्यादा ठंडा क्यों है। द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन इज़ वेरी कोल्ड, कि जो क्लाइमेट है पोलर जोन का वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द एरियाज, क्योंकि उसमें वो इलाके आते हैं अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, कि जो नॉर्थ और साउथ पोल के करीब होते हैं, ज़मीन की नॉर्थ और साउथ पोल के करीब होते हैं। हेयर द सन रेज आर मोर स्लांटेड, यहाँ पे जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत टेढ़ी होके गिरती हैं। देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन इज़ वेरी कोल्ड, इसीलिए जो पोलर जोन का क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। आई रिपीट द आंसर, द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन इज़ वेरी कोल्ड बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ द एरियाज अराउंड द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द अर्थ, हेयर द सन रेज आर मोर स्लांटेड, देयरफॉर द क्लाइमेट ऑफ पोलर जोन इज़ वेरी कोल्ड। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस थे, अब हम इसके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है पहला, व्हाई डज द क्लाइमेट चेंज विद डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, कि क्लाइमेट क्यों चेंज होता है जब हम इक्वेटर से जो है वो दूर होते जाते हैं। द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कि अगर हम इक्वेटर से दूर होते हैं तो उसका क्लाइमेट उसका जो अफेक्ट है वो क्लाइमेट हमारे क्लाइमेट पर पड़ता है। एट द पोल्स एनर्जी फ्रॉम द सन रीचेस At the poles, energy from the sun reaches the earth's surface at lower angles and passes through a thicker layer of atmosphere than at the equator. This means the climate is cooler further from the equator. कि ये इसलिए होता है कि सूरज की रोशनियाँ वहाँ पर जो हैं वो कम पड़ना शुरू होती हैं, और जो है हम वहाँ पर जब हम इक्वेटर से दूर होते जाते हैं तो सूरज का और जो पोल्स का जो एनर्जी लेवल होता है वो सरफेस के लोअर एंगल्स पर के पास थ्रू होता है उसकी एक थिक लेयर से, ठीक है, और फिर वो जाता है इक्वेटर के ऊपर, इस वजह से जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है। आई रिपीट द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर अफेक्ट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कि जो डिस्टेंस होता है जब हम इक्वेटर से दूर होते हैं उसको तो उसका जो अफेक्ट होता है वो हमारे क्लाइमेट पे पड़ता है। एट द पोल्स, जो पोल्स होते हैं हमारे, एनर्जी फ्रॉम द सन, जो सूरज से हमें ताकत मिलती है, रीचेस द अर्थ सरफेस, जो वो हमारी ज़मीन पे पड़ती है एट लोअर एंगल्स, बहुत ही कम तादाद में, एंड पासिस थ्रू अ थिकर लेयर, और वो एक थिक लेयर से गुजरती है ऑफ एटमोसफेयर, एटमोसफेयर की, एंड देन एट द इक्वेटर, और वो फिर इक्वेटर के ऊपर जाके गिरती है। This means the climate is cooler. ये हमें ये बताती है कि जो हमारा क्लाइमेट है वो ठंडा है further from the equator, के इक्वेटर से दूर होने पे। ये आपका आज का टॉपिक था। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करते हैं। In which zone is our country located on the basis of the climate? Explain, कि हमने ये बताना है कि हमारी कंट्री जो है वो किस जोन में लोकेटेड होती है क्लाइमेट के बेस पे। पाकिस्तान लाइज इन द टेम्परेचर जोन, पाकिस्तान जो है वो टेम्परेचर जोन में आती है। द क्लाइमेट इज जनरली एरिड, पाकिस्तान लाइज इन द टेम्परेचर जोन, पाकिस्तान जो है वो टेम्परेचर जोन में आता है। द क्लाइमेट इज जनरली एरिड, एरिड के जो क्लाइमेट है वो आमतौर पर जो है वो एरिड मतलब बंजर है। करेक्टराइज बाय हॉट समर्स एंड कूल और कोल्ड विंटर्स एंड वाइड वेरिएशंस बिटवीन एक्सट्रीम्स ऑफ टेम्परेचर एट गिवन लोकेशंस, कि जो क्लाइमेट होता है वो आमतौर पर हमारा जो है गर्म भी होता है और ठंडा भी होता है, ठीक है, और उनके अंदर जो है उसकी जो एक्सट्रीम जो टेम्परेचर है वो बहुत सी ऐसी लोकेशंस है जो हमारे मुल्क की वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पर भी चली जाती हैं, इसलिए जो हमारा जो पाकिस्तान है वो टेम्परेचर जोन में आता है। ये आज का हमारा टॉपिक था, उसका कॉपी वर्क था। आई होप यू अंडरस्टैंड योर लेक्चर।
कार्डली रीडिंग जो है वो आपने अपनी कॉपीज पे नहीं लिखनी है, सिर्फ एक्सरसाइज का काम अपने अपने कॉपीज पे करना है. थैंक यू.